नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। बीजेपी ने पंजाब को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं यूपी में सूबे के मुख्यमंत्री ने तमाम मिथक को तोड़ दिया है और एक बार फिर सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। इसी क्रम में लखनऊ उत्तरी से जनता ने एक बार फिर नीरज बोरा पर भरोसा जताया है और प्राइम टीवी की टीम ने नीरज बोरा से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं नीरज बोरा से की गई खास बातचीत। प्रदेश विधानसभा चुनाव कल खत्म हो गया है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर ऐतिहासिक विजय की तरफ बढ़ती हुई चली गई और फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही है। इसी क्रम में हमारे साथ लखनऊ उत्तरी से फिर से विधायक चुने हुए नीरज बोरा जी हैं। आपको फिर से यहाँ की जनता ने चुना, क्या संदेश देंगे उनके लिए? मैं देवतुल्य जनता जनार्दन और मेरे कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो मेरे पिछले 5 साल के कार्य थे उसको देखते हुए उन्होंने पुनः मुझे मौका दिया है। अगले 5 साल के लिए मेरा पूरा प्रयास होगा कि इस क्षेत्र में जो भी समस्याएं शेष रह गई हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, उनका निदान किया जाए। और कार्यकर्ताओं ने इस बात की मोहर लगाई है, बटन दबाया है कि पिछले 5 साल की योगी सरकार ने जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कार्य किया है वह सराहनीय है और लोग उससे संतुष्ट हैं। और जो कोरोना के काल में हमारी सरकार और हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम किया, उनकी सेवाएं करने का काम किया, तो जनता जान चुकी है कि कौन सच्चा मित्र है, हितैषी है, इसलिए जनता ने वोट दिया है। सर, आप काफी सक्रिय रहते हैं और क्षेत्र में आपका अच्छा नाम है, तो क्या इस बार जो आला कमान है उसकी तरफ से कुछ उपहार मिल सकता है, जैसे मंत्रिमंडल या ऐसा कुछ? देखिए, वह तो उनका निर्णय है और मैं उनके प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा प्रतिनिधि बनने के लिए मौका दिया। मैं इस बात के लिए उनका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बाकी निर्णय उनका अपना है, वो तय करेंगे कि क्या करना है। जिस भी रोल में मुझे रखेंगे मैं उस रोल को पूरे अच्छे से निभाऊंगा। ऐसे कई सारे काम आपने किए जो पिछला कार्यकाल था, तो क्या ऐसी चीजें छूट गई जो इस बार आप उसे पूरा करेंगे और नई चीजों को यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, विकास के कार्य जो है वो अनवरत चलते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं, योजनाओं को लेकर आते हैं, योजनाओं को पूरा होने में समय लगता है। आपको मालूम है कि फैजुल्लागंज के बंधे को लेकर काफी दिनों से वह समस्या थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले कार्यकाल में ही लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर के नाम से IIM बाईपास से इकाना क्रिकेट स्टेडियम तक का जो बंधा प्रास 6 लेन की रोड पास की है, स्वीकृत की है, उसका कार्य प्रारंभ होगा तो बंधे का भी निवारण हो जाएगा और लोगों को लखनऊ में आवागमन के लिए एक बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। 100 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने सैंक्शन कर दिया है फैजुल्लागंज में, जिसका शीघ्र निर्माण प्रारंभ करके क्षेत्र की जनता को समर्पित किया जाएगा। एक ITI स्वीकृत हो गई है, उसे जल्दी से जल्दी बनवाया जाएगा और जो भी पेयजल सीवर सड़क की समस्याएं हैं उसको जल्दी जल्दी पूरा किया जाएगा। लेकिन इस बार प्राथमिकता रहेगी कि नौजवानों को रोजगार मिले, इसलिए लखनऊ के अंदर योजनाओं पर कार्य होगा कि नौजवानों को बाहर ना जाना पड़े, उन्हें यहीं पर रोजगार मिले। सर, अगर बात की जाए इस क्षेत्र में तो ट्रैफिक कहीं ना कहीं एक समस्या है, तो इसके लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या काम? आप देख ही रहे हैं कि लखनऊ को फ्लाईओवर से सजाया जा रहा है। अभी इसी सीतापुर रोड पे कल से IIM बाईपास के ऊपर भी फ्लाईओवर का निर्माण प्रारंभ कर दिया है और जो ये लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, 6 लेन की रोड बनेगी, इससे बहुत बड़ा ट्रैफिक का फ्लो उस रोड के माध्यम से इस मेन रोड को ट्रैफिक को दबाव को कम करेगा और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। तो हमारे साथ थे लखनऊ उत्तरी से फिर से विधायक चुन के आए हुए नीरज बोरा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमने ऐसे कई सारे कामों को किया और जो बचे हैं उसे इस कार्यकाल में पूरा करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। तो नीरज बोरा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, एक बार फिर जनता ने उन पर भरोसा जताया। हमारे संवाददाता विभांशु ने उनसे खास बातचीत की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस